सड़क से संसद तक आरोप प्रत्यारोप। आरएसएस की विचारधारा को जबरन थोपने के लिए किस्म किस्म के घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नारों के बीच जब गुम होने लगा सच, तब चुनौती देती उठी एक हुंकार। What is महिषासुर मार्टिडम डे मैडम स्पीकर? संसद में शिक्षा मंत्री ने पूछे सुलगते सवाल, महिषासुर शहादत दिवस का शर्मनाक सच, क्यों हुआ परंपरा पर हमला? Posted on the 4th of October 2014, a statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And may my God forgive me for reading this. क्यों चल रही है धर्म पर दुष्प्रचार की तलवार? महिषासुर, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. सारा देश पूछ रहा है सवाल, ये अभिव्यक्ति की आजादी है या अराजकता? Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. भावनाओं से क्यों हो रहा खिलवाड़? Freedom of speech, ladies and gentlemen. अभिव्यक्ति के नाम पर। महिषासुर, a brave, self-respecting leader, they hired a sex worker called Durga. अराजकता के महिषासुर को खुली चुनौती। Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. देखिए स्मृति का महिषासुर मर्दन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आपने अभी अभी एक झलक देखी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के उस भाषण की, जिसने देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ी बहस छेड़ दी है। बहस ये कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को कुछ भी कहने की आजादी है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आस्था से खिलवाड़ भी हो सकता है? मां दुर्गा का अपमान भी हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या यह खतरनाक परंपरा देश को अराजकता की तरफ नहीं ढकेल देगी? स्मृति ईरानी के भाषण में मुद्दा तो जेएनयू में होने वाले महिषासुर शहादत दिवस का है, लेकिन इसके गहरे मायने हैं। इसीलिए जरूरी है अराजकता के महिषासुर का मर्दन। Our government has been accused. And I miss today Saugata Roy and Saugata Bose in this house. Champions of free speech, because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी की हद क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने अराजकता को छूट कैसे दी जा सकती है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी से धार्मिक भावना के अपमान की छूट मिल जाती है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु के समर्थन के नाम पर जिस तरह राष्ट्र विरोधी नारेबाजी हुई और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद जिस तरह से देश को दो खानों में बांटने की कोशिश हुई, उसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बर के छत्ते की तरह हो गया। Do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Jis vice chancellor ko? लेकिन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने मौजूदा हालात को न सिर्फ चुनौती देने का फैसला किया, बल्कि जेएनयू में 2011 से जारी महिषासुर शहादत दिवस मनाने की परंपरा मुख्य धारा की पार्टियों के चुप्पी भी तोड़ किया। यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रेशियल फेस्टिवल वेयर अ फेयर स्किन ब्यूटिफुल गॉडेस दुर्गा इज डिपिक्टेड ब्यूटली किलिंग अ डार्क स्किन नेटिव कॉल्ड महिषासुर। महिषासुर, अ ब्रेव सेल्फ रिस्पेक्टिंग लीडर ट्रिक्ड इनटू मैरिज बाय आर्यंस, दे हायर्ड अ सेक्स वर्कर कॉल्ड दुर्गा। विजयादशमी के मौके पर जिस दुर्गा माँ की पूजा बड़े ही श्रद्धा के साथ होती है, उन्हें इसी देश की राजधानी में नागरिकों के टैक्स देने वालों के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में सेक्स वर्कर कहा जाता है। शायद अब तक आप इस सच से अनजान रहे,
लेकिन अब मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी इसे मुख्यधारा की बहस के बीच में ले आई। What is Mahishasur martyrdom day, Madam Speaker? Our government has been accused, and I miss today Saugata Roy and Saugata Bose in this house, champions of free speech, because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. असली सवाल यही है कि क्या 2011 से जेएनयू में जो हो रहा है, क्या वामपंथी विचारधारा से प्रभावित छात्र संगठन वही काम वामपंथ के गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल अगर वामपंथ का गढ़ है तो दुर्गा पूजा की सबसे चमकदार धूम भी यही रहती है। माँ दुर्गा के उपासक देवी को असुर महिषासुर का मर्दन करने वाली शक्ति रूप मानते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा के अनुसार 9 दिन चले संग्राम के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, लेकिन महिषासुर शहादत दिवस मनाने वाले छात्र क्या कहते हैं ये भी जान लें। ये तस्वीरें साल 2012 की हैं, जब कुछ छात्र संगठनों ने महिषासुर को आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का पूर्वज बताते हुए शरद पूर्णिमा को शहादत दिवस मनाने की घोषणा की। जगह जगह कैंपस में पोस्टर्स भी लगाए गए थे। उस वक्त जमकर बवाल मचा था कि महिषासुर चूंकि ये यहाँ का निवासी था, मूल निवासी था, और उसमें अगर और उसके नीचे जाइएगा तो एक ग्वाल था, भैंस पर चढ़ता था, सवारी करता था, न्यायप्रिय राजा था, उसका साम्राज्य बहुत जगह फैला हुआ था। दुर्गा है, हमें आज के डार्विन और बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि एवोल्यूशन मतलब जब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का अनुसार किसी का भी 8 हाथ नहीं रहा है और हर हाथ में गदा है, हर हाथ में एक न एक से एक वीपन्स है, वो हमारी माता कैसे हो सकती है। विविधता से भरे भारत के कुछ आदिवासी समूह महिषासुर को अपना देवता मानते हैं, लेकिन महिषासुर शहादत दिवस के नाम पर देवी दुर्गा के अपमान की सार्वजनिक कोशिश शायद जेएनयू में ही दिखाई देती है। शायद इसीलिए स्मृति ईरानी पूछ रही कि क्या कोलकाता में ऐसा आयोजन हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच लेडीज एंड जेंटलमैन, हु वॉन्ट्स टू हैव दिस डिस्कशन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता? आई वॉन्ट टू नो whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. For these are the students. No, they are students. What is this depraved mentality? I have no answers for it. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू के आंदोलनकारी छात्रों के साथ खड़ी पार्टियों के लिए स्मृति ईरानी के तीखे सवाल का जवाब देना आसान नहीं। अगर जेएनयू में महिषासुर दिवस मनाया जाता है तो देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां रावण की भी पूजा होती है, वो न तो लेफ्टिस्ट है ना जेएनयू के पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं, लेकिन उनकी भावनाएं रावण से जुड़ी है। ये लोग जो है डावट कर रहे हैं इसमें से, और राष्ट्र प्रेम का भक्ति जो है आरएसएस और बीजेपी जो है देश को न सिखाए, हम लोग को न सिखाए, रग रग में हम लोग देशभक्ति और तिरंगा को सैल्यूट करते हैं। महिषासुर शहादत के नाम पर माँ दुर्गा का अपमान नहीं किया जा सकता, विपक्ष भी ये मानता है, तो सवाल ये है कि इस मामले को देशद्रोह और गरीब छात्रों के कल्याण के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या जेएनयू देशद्रोह कांड की तरह माँ दुर्गा के अपमान के विवाद पर भी देश को दो खाने में बांटने की कोशिश शुरू हो गई है? अरुण कुमार सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली IBN से। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू में साल 2011 से हो रहे महिषासुर शहादत दिवस पर बुधवार को लोकसभा में भाषण दिया था। गुरुवार को राज्यसभा में भी उन्होंने मां दुर्गा के अपमान का जिक्र किया, लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री ने यह बताना शुरू किया कि जेएनयू के कुछ छात्र मां दुर्गा के बारे में कैसी आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कहते हैं, कांग्रेस सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं आनंद शर्मा को, कांग्रेसी सांसद खुद मंत्री महोदय पर यह आरोप लगाने लगे कि वो जेएनयू छात्रों की बात सामने रखकर देवी का अपमान कर रही हैं। अपमान हो रहा है से ज्यादा चिंता इस बात की है कि उस अपमान को सामने क्यों रखा जा रहा है। अभिव्यक्ति के नाम पर समाज में पिछड़ों के नजरिए से लिखे जाने वाले इतिहास की शाखा सब अल्ट्रन स्टडीज की अनुमान आधारित थ्योरियों के नाम पर क्या देवी दुर्गा के अपमान की खुली छूट दी जा सकती है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के संसद में दिए गए बयान से ये सवाल खड़े हुए हैं।
लेकिन सवाल उस सियासत का भी है जो देश में लोगों के सरोकार से जुड़े हर मुद्दे को वोटों के नफे नुकसान के सियासी तराजू पर तौल देना चाहती है। मां दुर्गा के अपमान के मामले में भी सियासत शुरू हो चुकी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कभी देशद्रोह के नारे तो कभी मां दुर्गा का अपमान, ये अराजकता कब तक बर्दाश्त की जाती है? कब तक सियासी गोलबंदी के डर से चुप्पी रखी जाती है? लिहाजा मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू में मां दुर्गा के अपमान का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रेशियल फेस्टिवल। महिषासुर अ ब्रेव सेल्फ रिस्पेक्टिंग लीडर, दे हायर्ड अ सेक्स वर्कर कॉल्ड दुर्गा हु एंटाइस्ड महिषासुर इनटू मैरिज and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में यह भी पूछा था कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार कोलकाता में मां दुर्गा के अपमान वाला महिषासुर शहादत दिवस मनाएंगे। टीएमसी नेता सौगत राय ने इस पर पलटवार भी किया। मैं स्मृति ईरानी को ऐसे सब बात उठाने को कठोर निंदा करता हूं। एक पॉलिटिकल डिबेट में धर्म की बात उठाना लोगों में विभाजन पैदा करता है। एक केंद्रीय मंत्री होते हुए स्मृति ईरानी को इसे बात नहीं बोलना चाहिए। टीएमसी नेता सौगत राय ने संसद में दिए स्मृति ईरानी के बयान को देश को तोड़ने वाला करार दिया। अब ये सवाल देश की जनता के सामने है कि देश कौन तोड़ रहा है, स्मृति ईरानी या मां दुर्गा का अपमान करने वाले? देवी देवता के अपमान से देश टूटता है या ऐसी हरकतों के विरोध से? नेताओं के इन सवालों पर अलग अलग सोच है। इस देश में कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की बातें हैं, कई तरह। जैसे मान लो आप चले जाओगे तमिलनाडु तो पेरियार था तो कहाँ मानता था किसी चीज को, ट्रक पे खड़े होकर के सारे भगवान फेंकता था। बेशक भारत विविधता वाला देश है, लेकिन सवाल ये भी है कि विविधता की परंपरा का इस्तेमाल देश के बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं के अपमान के लिए कैसे हो सकता है? इस मामले में एक बड़ी टिप्पणी मकबूल फिदा हुसैन की मां सरस्वती की अश्लील पेंटिंग के केस में कोर्ट ने अपने फैसले में की थी। कोर्ट ने कहा था, अगर ये मान लिया जाए कि इस तरह के कार्य कला का एक नमूना है, तब भी इस बात को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि इस तरह के कृत्य जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या फिर अपमानित करने के दायरे में आते हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक पार्टियां और नेता ये नहीं समझते? अगर समझते हैं तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति क्यों होती है? क्यों कोलकाता में दुर्गा पूजा करने वाले जेएनयू में मां दुर्गा के अपमान पर खामोश रहते हैं? जेएनयू में तो महिषासुर की पूजा करते हैं और बंगाल में दुर्गा पंडाल में जाके वोट मांगते हैं। ये दोहरा मापदंड इस देश में चाहिए, ये दोहरा मापदंड इस देश में चाहिए। तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जहां हर मुद्दा अपना अर्थ खो बैठता है? सच्चे झूठे नारों के शोर में सच दब जाता है? क्या यही जेएनयू देशद्रोह कांड में हुआ और क्या यही अब मां दुर्गा के अपमान के भी मामले में हो रहा है? अमिताभ सिन्हा के साथ अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। विपक्ष कह रहा है स्मृति को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों के जहन में या महिषासुर के फैंस के जहन में यह कचरा कौन भर रहा है, कहां से पनप रहा है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है अगर आप अपनी आस्था के साथ होते खिलवाड़ को रोकना चाहते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।